वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधीर्यतमहं प्रपद्ये मोकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। तो हम हमारे छठे अध्याय का अध्ययन को कंटिन्यू रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जैसे हमने कल परसों देखा ना पहले, कि भगवान ने शुरू में ही छठे अध्याय के शुरू में विशेष करके 11 से 14, मेरे ख्याल से हाँ 11 से 14 उन श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को योग की विधि समझाई बताई, जिसका बाद में अर्जुन जी थोड़ा खंडन करते हैं। एक प्रकार से बोलते हैं कि भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। और 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन बोल रहे हैं कि ये व्यवहारिक नहीं, तो हमारी दोस्ती थी क्या? तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं ना कि उचित अभ्यास और वैराग्य से मन को काबू किया जा सकता है। फिर मन की काफी चर्चा, तो मन को काबू किया जा सकता है उचित उचित प्रयास, उचित प्रोसेस ना, बराबर सूटेबल तरीके से, उचित तरीके से और वैराग्य उत्पन्न करते हुए। अब अगर कोई मन को काबू करने में बीच में फेल हो जाए तो क्या होगा उसका? योगाभ्यास में जुड़ गया लेकिन पूरा नहीं हो पाए तो फिर अर्जुन ऐसा प्रश्न करते हैं, भगवान उसके उत्तर देते हैं। तो कल हम देखें कि भाई जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे बहुत सुंदर, क्या कि देखो शिकार करना है तो गेंडे का करो, है ना, शिकार करना है तो बड़ी मछली को पकड़ो या गेंडे का शिकार करो। हाँ, क्या होगा अगर गेंडे का शिकार कर लिया, बड़ी मछली पकड़ ली, तो वाह भाई क्या बढ़िया काम किया, क्या बढ़िया काम किया तुमने। हाँ, और अगर नहीं पकड़ पाए, समझिए नहीं पकड़ पाए, तो ठीक है, तो भी कोई बात नहीं ना, कि भाई अरे गेंडे को पकड़ने गया था, कोई हंसी मजाक थोड़ी ना। गेंडे को पकड़ना आसान है क्या? बड़ी मछली का शिकार करना आसान है क्या? तो उस हिसाब से है ना। तो भगवान भी कह रहे हैं कि ये मतलब हमें कुछ बड़े करने में तो पीछे हट करना ही नहीं चाहिए। और जैसा हम बात कर रहे थे ना, संसार में बताइए माया किसको मिली है? माया मतलब ये जो भौतिक सुख है, सब क्षणिक है, सब क्षणिक है। आगंतुक है सुख को अगर समझना है तो ये इसे इस परिभाषा या परिभाषा तो नहीं, इस बेंचमार्क पैरामीटर से हम समझ सकते हैं कितना ज्यादा सुख है ना और कितनी देर तक। अवधि में एक अभी खाने पीने का, घूमने फिरने का, कपड़े पहनने का इत्यादि, कितना ज्यादा सुख मिलता है वो हमें और कितनी देर तक का सुख रहता है। संसार में कौन सा ऐसा सुख है जो स्थायी है? और यहाँ कृष्णा भावनामृत के अभ्यास में जो सुख है वो आनंदम बुद्धि वर्धनम पढ़ने वाला है। ठीक है, तो उसी थोड़ा सा माइंडसेट से आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो आज श्लोक संख्या 45 से छठे अध्याय ध्यान योग श्लोक संख्या 45। प्रयत्न अध्यात्मन मानस तु योगी संशुद्धि किल विष किल विष अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गति। सुधा माता जी आप अनुवाद पढ़िए, हर्षा आप तात्पर्य पढ़ना। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतो गोत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। कलमस मतलब क्या होता है? कलमस
कलमस मतलब गंदगी, गंदगी। अच्छा कलमस से शुद्ध होकर सचिन निष्ठा। अच्छा इसमें जो इतना मल भरा पड़ा ना। हाँ हाँ गंदी भावना जो भी है। ठीक है हर्ष आप तात्पर्य पढ़ें। जी सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। 7:28 में येषां तु अंतर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां तृतीयव्रता। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश तथा मोह माया द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतदोगत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। Definitely, पक्की बात है। ये भगवान को पाना कृष्णा भावनामृत का अभ्यास ये कोई हंसी मजाक या सरल बात नहीं है। महा मतलब टेस्ट टेम्पटेशंस तो खूब आएंगे है क्योंकि हम इतने टेस्ट टेम्पटेशंस इस हिसाब से नहीं है कि भगवान ने कठिन बना रखा है। भगवान ने कहीं कुछ नहीं कठिन बनाया। भगवान ने तो सब जगह एकदम सरल से सरल ही बना रखा है। कितने एवेन्यूज कितने तरीके भगवान ने बना रखे हैं कि जीव मेरी ओर आए जीव मेरी ओर आए। बहुत से ऐसे साधन बना रखे हैं भगवान ने। लेकिन अगर कमी है ना कहीं पे तो कमी हमारे में ही है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कमी अगर है ना ये सब श्रद्धा बनाने की बात है। देखो अल्टीमेटली अंततोगत्वा मतलब अल्टीमेटली एंड में काम क्या आना हमारा खुद का विवेक ही काम आना स्वयं का विवेक ही काम आना। जब शरीर छोड़ने का समय आएगा तो देखिए और कोई अब जैसे बीमार भी पड़ते हैं ना तो कोई काम नहीं आता ना सच। माँ हो बाप हो भाई हो बहन हो पति पत्नी बच्चे कोई भी हो कोई नहीं तो शरीर छोड़ेंगे तब कोई काम नहीं आने वाला। इस जीवन के सफर में भी देखे ना कब तक कितना संग रहता है माँ बाप के साथ कितना संग रहता है। 10वीं 12वीं के बाद बच्चे कहीं बाहर निकल जाते हैं है ना। 12वीं या कॉलेज के बाद शादी हो गई तो फिर वैसे ही थोड़ा सा आ जाता ना टाइम या संबंध सेपरेशन या एक अलगाव तो होता ही है। तो साथ तो हमारा कोई नहीं साथ हमारा हमारा विवेक ही आना है एंड द एंड ऑफ द डे थ्रू आउट द ईयर और अंत में भी थ्रू आउट हमारी जीवन आयु तक और अंत में भी स्वयं का निज का विवेक ही काम आएगा। इस विवेक को ही क्रियान्वित करना ना इसको बनाना है पूरा बढ़िया से। तो श्रद्धा है उस श्रद्धा को और परिपक्व करके निष्ठा में परिवर्तन करना उस श्रद्धा का ना? और निष्ठा से भी हमें आगे रुचि आसक्ति के स्तर पे आना ही आना है। आसक्ति के स्तर पे ही संबंध है भगवान से।
उसके नीचे संबंध कहाँ है बताइए। देखिए भक्ति में श्रील रूपा गोस्वामी समझाते हैं हमें कि भक्ति के कितने क्या क्या पड़ाव है जैसे है। तो पहले तो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा होगी तो साधु संग करेगा, साधु संग भक्तों का संग करेगा ना, तभी फिर कथा सत्संग मंदिर में आएगा, भक्तों का संग करेगा, भक्तों का संग करेगा तो क्या होगा, भजन क्रिया में जुड़ेगा। भक्त लोग तो यही बोलते हैं ना कि भगवान का नाम जपो, भक्त का यही काम है, खुद भक्ति करना और अपने आचरण व्यवहार और अपने प्रचार से औरों में भी भक्ति को क्रियान्वित कराना, यही काम है खुद भी भक्ति। मतलब क्या, भगवान की प्रेम में ही सेवा, भगवान की कीर्ति का गुणगान। तो एक साधक, एक भक्त स्वयं भी यही करता और औरों में अपने व्यवहार और आचरण और प्रचार से औरों में भी यही क्रियान्वित कराता। तो श्रद्धा है, उस श्रद्धा से क्या होगा, फिर मंदिर जाएगा, सत्संग जाएगा, साधु संतों का संग करेगा, भक्तों का, और फिर उससे क्या होगा, भजन में जुड़ेगा, भजन क्रिया। भजन जैसे करने लगेगा तो अनर्थों से कलमश शुद्ध होते रहेंगे ना, गंदगी अनर्थों से बाहर निकलते रहेगा, चित्त में शुद्धिकरण होगा खूब। शुद्ध चित्त होगा तो जाके निष्ठा परिपक्व होगी, क्योंकि देख लिया ना हाँ भाई प्रोसेस काम करता ही है। कृष्णा भावनामृत का नाम जब कितना बलशाली है ना, कैसी काम वासनाएं, विचित्र वासनाएं से मैं छूट रहा हूँ, तो फिर निष्ठा परिपक्व होगी। जहाँ पे भी एक ऊंचा सुख मिल जाएगा जीव को, फिर निष्ठा बनेगी ना, तो प्योर सुख मिलेगा, ऐसा स्टेबिलिटी ठहराव आएगा जीवन में, तो फिर निष्ठा के स्तर पे आएगा, निष्ठा के स्तर पे फिर पक्का करेगा, निष्ठा मतलब कन्विक्शन, कन्विंस्ड हो गया, फिर कन्विंस्ड होकर कोई व्यक्ति करे तो फिर रुचि, रुचि के स्तर पे आएगा, रुचि डेवलप होगी, इंटरेस्ट, कन्विंस्ड हो गया ना, तो कन्विंस्ड हो गया तो उसको फोर्स नहीं करना पड़ता, रुचि के स्तर पे किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता, बोलना नहीं पड़ता कि आओ रोज आया करिए, थोड़ा सुनिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा जपिए, ये जब तक अनर्थों से निवृत्त नहीं हो रहे, निष्ठा नहीं बराबर, तब वहां तक हाँ ठीक है, थोड़ा प्रेशर एनकरेजमेंट करना पड़ता है, और भी साम दाम दंड भेद कई उपाय लगा के कैसे करके भक्ति में लाना पड़ता है और फिर आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन एक बार निष्ठा के स्तर पे, रुचि के स्तर पे आ गए तो फिर बोलना नहीं पड़ता ना, आओ उठो मंगल आरती के लिए चलो, लेट मत आओ, फिर रुचि के स्तर पे स्वयं, और आसक्ति के स्तर पे ना संबंध बनता है भगवान से, रुचि के स्तर पे भी संबंध ऐसा स्थापित नहीं हुआ बराबर, तो हमें मिनिमम आसक्ति के स्तर पे आना ही है इस मनुष्य जीवन में, और मिनिमम आसक्ति और फिर उससे आगे भी बढ़ना, आसक्ति से आगे बढ़ना, भाव भाव से आगे बढ़ के प्रेम, और दिव्य धाम में देखे तो प्रेम के भी और विकार है, विकार इन द सेंस ट्रांसफॉर्मेशन ना, कोई नेगेटिव नीची लोअर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ऊंचाई, तो प्रेम भी परिणित होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, और किसमें स्नेह मान है ना, और राग अनुराग प्रणय, वैसे प्रेम के और ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। तो नेचर वास्तव में ये मार्ग तो देखे, मार्ग तो सरल है, कठिन हम है, बट क्योंकि हम इतने अपने बद स्वभाव में इतने रचे पचे ना इस मटेरियल आइडेंटिटी मैटर से और सेंस ग्रेटिफिकेशन, इतने हम बंधे में, स्थूल रूप से चलो हम निवारण हो भी जाए थोड़ा कि बाहर का गोलगप्पा और खाने का बंद करता, लेकिन अब नहीं खाते, अब भक्ति में आके भोग लगा के ही पाते हैं सब कुछ, तो बाहर का खाने का बंद, सोशल लाइफ, सोना उठना बैठना सब, भक्ति में हम पॉलिश हो जाते हैं, पॉलिश ह्यूमन बींग्स हैं, थोड़ा पॉलिश डिवोटी सॉर्ट ऑफ, तो वो आ जाता है, हमें एक प्रकार का निखार है, हम थोड़े सभ्य मनुष्य बन जाते हैं एक प्रकार से समझिए, बट फिर भी फसावट तो फिर भी है ना, मन की कितनी चंचलता, कितना पुश करना पड़ता है या कितना बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी हम उस नेचुरल स्टेट में आए नहीं है, अभी हम बहुत कंडीशन स्टेट में और हैविली आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को मैटर से, सेंस ग्रेटिफिकेशन ये ग्रॉस से तो छूट गए, चलिए मांस और छोड़ दिया, प्रसाद पाते हैं, इंटॉक्सिकेशन छोड़ दिया, कीर्तन सुनते हैं, लेकिन फिर भी ये जो स्वसुख की कामना है और मान सम्मान, ये बहुत बड़ी, ये इन भक्त इसमें माधुर्य कादंबिनी में हम पढ़ते हैं देखते हैं ना,
उनको भक्ति उत्थ एक प्रकार से अनर्थ बताए गए कि मान सम्मान की लालसा अभिलाषा है ना, स्वसुख की कामना, मैं कितना ज्ञानी बन गया हूँ, मेरे को कितना ज्ञान है, देखो मैं कितने साधना करता हूँ, कितने भक्त बनाते हैं, ये सब। तो ऐसे बहुत भावनाएं आएंगे ही आएंगे हमारे हृदय के दरवाजे में खटखटाएंगे। अब ये है कि हम उनको कितना भाव दें, कितना एंटरटेन करें, कितना ना करें, उनके साथ कितनी हम अपनी आत्मीयता जोड़ें या नहीं जोड़ें। वरना ये ऐसे तो सब आएंगे ना, सब शुद्धिकरण के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए। इसीलिए जितनी जल्दी से जल्दी हम वरिष्ठ वैष्णवों का संग करें, शुद्ध भक्तों का संग करें, और उनके माध्यम से जो जिन्होंने भगवत साक्षात्कार को पाया है उनके कृपा से, उनके माध्यम से, उनके आश्रय लेते हुए उनसे ही हम श्रवण करें भगवान की कथा का, नाम रूप कुंड लीला धाम परिकर, भगवान की भगवत्ता का, भगवान की सुंदरता का, तो कृष्ण में हमारा राग अनुराग आसक्ति एक बनेगी बनेगी। और जब तक फिर हमारा हमारी संबंध, हमारे संबंध को बचाना है ना, हमें खूब प्रोटेक्ट करना हमारी आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को, हमारी पहचान आइडेंटिटी भगवान से, तो उसको और स्ट्रांगली, उसको होता ना कील, हथौड़े से कील ठोक ठोक के, ठीक ठोक ठोक के, तो वैसे हमें अपने आप को इस दुष्ट चंचल मन को खूब से खूब समझाना, खूब से खूब समझाना कि हम कौन है, हम किसके हैं, तो फिर जाके ये पथ इतना हमें भारी नहीं लगेगा, तब फिर आनंद आने लगेगा, रुचि उत्पन्न हो जाएगी और आसक्ति में हम आ जाएंगे। अन्यथा तो भाई बहुत कठिन, अगर बिना क्लियर विजन, बिना प्रॉपर विजन, बिना रिफाइंड इवॉल्व अच्छा विजन, प्योर कृष्णा भावनामृत विजन, और बिना वैसे संघ के अगर हम साधना में करते रहेंगे तो 10 साल 20 साल कितने साल बस साधना चलती रहेगी, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, सब रोबोटिक मैकेनिकल, या ठीक है साधना चल रही है, 5 साल से बहुत कुछ पढ़ भी लिया, भागवत गीता भी खूब पढ़ लिया, भागवतम चैतन्य चरिता में नाम जब भी कर लिया, श्लोका भी कंटस्थ कर लिया, लेकिन चेतना से इतना ज्यादा हम बढ़ नहीं पाएंगे। तो ये विकास चेतना के विकास की बात है ना, इसीलिए हमें चाहिए वरिष्ठ वैष्णवों का संग जो रियलाइज है, और उनके संग से हम भगवान की कथा दिव्यता का श्रवण करें, तो हमारा भी विजन और रिफाइन होगा, हमारे विजन को प्रोटेक्ट करना और इसको और से और रिफाइन बनाते चलना है हमें। कृष्णा भावनामृत में कभी भी स्लैकननेस नहीं आनी चाहिए, कभी भी स्लैकननेस नहीं आनी चाहिए, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है ना, तो हम हमेशा ही सतर्क रहें। बाकी हमारा फोकस देखिए मृत्यु का भी नहीं रहता, हमारा फोकस, हमारा ध्यान कृष्णा का होना चाहिए, भगवान पे हमारा ध्यान होना चाहिए, ऐसा नहीं मृत्यु का हम फोकस करें कि मृत्यु का चिंतन कर रहे हैं, मृत्यु का चिंतन कर रहे हैं ना, चिंतन भगवान का करिए, तो भगवान मृत्यु को सार्थक बनाएंगे। वरना हम चिंता अगर भगवान की छोड़ के मृत्यु और का करते रहे तो बस फिर भगवान हर जगह से हमारे लिए एग्जिट हो जाएंगे, फिर हम अपना ही स्व सुख या उसी में बहुत ज्यादा एंग्रोस्ड हो जाएंगे, फिर हम एक दिन ऐसा भी कि अब मैं इतना शुद्ध हो गया हूँ या और शुद्ध हो जाऊंगा, लेकिन मेरे को भगवान नहीं चाहिए, बस मुक्ति चाहिए, फिर बिना भगवान की सेवा के क्या मुक्ति है, बिना भगवान की सेवा में जुड़े कोई मुक्त भी हुआ है क्या, हो सकता है क्या, बिना प्रेम के क्या मुक्ति है। मुक्त हमें भाव से होना है कि अभी तक हम संसार के अपने आप को समझते हैं और अब हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ के कि मैं भगवान का हूँ, उस भाव में अपने आप को अवस्थित करना, वही वास्तव में मुक्ति है। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तपस्वी भ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्यो अपि मतोधिक कर्म कर्म इभ्यो इभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवर्जुन। तो हर्षा आप अनुवाद पढ़िए, सुधा माता जी आप तात्पर्य पढ़िए। योगी पुरुष तपस्वी से ज्ञानी से
तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। सुधा माता जी, जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब ये योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग योग कहलाती है। जब ये चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है। योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावना मृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने ये यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इसे इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है, परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है, सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है, सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग और उसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। देखिए, भगवान नहीं चाहते कि ना, भगवान ये नहीं बोल रहे तुम कर्मी बनो, ज्ञानी बनो, तुम ये बनो, या भगवान तो कर्मी बनो ऐसा तो बोल ही नहीं रहे गए पे, या तुम तो ये संसार में बस ऐसा कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। ये तो थोड़ी बेसिक बात है ना, बेसिक बात है, सेल्फलेस ड्यूटी, ठीक है। उसमें भी कहाँ लोग जुड़े हुए हैं। वास्तव में जो पूर्ण शांति मिलेगी ना, जो पूर्ण समाधान होगा, वो तो भगवान से प्रेम करने में होगा, भगवान की प्रेम में ही सेवा। वो तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम योगी बनो, अगले में बताएंगे कैसा योगी बनो, लेकिन अभी के लिए तस्मात योगी भवर्जुना। और बता रहे ना, जैसे कर्म योग हमने पहले भी पढ़ा ना कि सकाम कर्म निष्काम कर्म है। सकाम मतलब कामनाओं सहित कुछ कर्म करना, ठीक है, भगवान के पास जाता है या देवी देवताओं के पास जाता है कुछ कामना, कुछ एजेंडा लेके कि ये मेरे काम सिद्ध कर दो, आप सुख संपत्ति घर ला दो, कष्ट मिटा दो तन का, तो थोड़ा सा काम कर्म के साथ थोड़ी सी भजन भक्ति में जुड़ रहा है, भगवान की सेवा में। फिर निष्काम कर्म कि वो सेल्फलेस भाव से कर्म करता है, कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अच्छा कर्म करते रहूं, उस हिसाब से कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बना रहा हूं। उसमें भी उसकी रुचि किसमें, सेल्फलेस सर्विस में उसकी अटैचमेंट हो जाती है। हमें अटैच अपने आप को भगवान से ही करना, और कहीं किसी पे नहीं। अब भगवान के संबंध से ही सब कुछ देखना, कि जो सेल्फलेस सर्विस का भाव भी है, ये भी भगवान के संबंध से ही हमें देखना है, वरना कोई हमारा और कहीं कुछ अभिप्राय नहीं है। तो ये सकाम कर्म निष्काम कर्म,
फिर ऐसे और योगियों से तो भगवान अल्टीमेटली तो अर्जुन को योगी बनने के लिए कह रहे ना, तो हमें भी स्कूल कॉलेज की हम पढ़ाई करें, व्यापार करें, घर परिवार चलाएं, लेकिन इस योग विधि को ध्यान में रखते हुए, जैसे दूसरे अध्याय गीता का सार में सब कुछ समझा ही दिया भगवान ने, तो वहां कहते हैं ना क्या, बुद्धि युक्तो जहाति, या दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक में भगवान बताते ना, बुद्धि युक्तो जहाति या उभे सुकृते दुष्कृते, तस्मात बुद्धि युक्तो जहाति या उभे सुकृते दुष्कृते, क्या योग कर्मसु कौशलम, कहते हैं ना कृष्णा, उभे सुकृते दुष्कृते, और फिर कैसा योग करो, या क्या इस कर्म की कुशलता कहाँ पे, योग कर्मसु कौशलम, कि ये नहीं है कि कर्म में कुशल बनो ये योग है ना, योग कर्मसु कौशलम, ऐसा कर्म करो कि मेरे साथ जुड़ सको, उसमें वही कुशलता है कर्म की ना, कर्म की सार्थकता, कर्म की कुशलता, गुडनेस कहाँ पे है कि वो हमें भगवान से कनेक्ट कराए, ना कि ऐसा कि हम बढ़िया कर्मी बन के रह जाए ना, तो कर्म शुड लीड अस टू योगा ना, और योगा क्या, भगवान के साथ प्रेम में ही सेवा, तो तस्मात योगी भवर्जुना, हमें और कुछ नहीं बना। अब जैसे स्टूडेंट बनो, व्यापारी बनो, जो बनो, घर घर चलाओ इत्यादि, लेकिन भगवान के हित को, भगवान को नजर रखते हुए, भगवान की सेवा के अनुरूप हो के हम सब कुछ करें तो बढ़िया है ना, तब फिर कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, घर संभाले, जो कुछ भी करें, लेकिन भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान की सेवा, और उस इसी के लिए साधु संग चाहिए ना, साधु संग में रहते हुए, भक्तों के संग में रहते हुए, भक्तों के संग में ही रह के भगवत भक्ति भक्त संगे ना संजायते ना, जो भगवान के प्रति भक्ति है ये तो भक्तों के संग में ही करी जाती है, तो साधु संग में रहते हुए हम करें ना, तो हम सही मार्ग में चलते रहेंगे। तो कृष्णा भावनामृत ऐसा नहीं है कि भाई हाँ बस अब पता चल गया और मैं अपने आप कर लूंगा सब कुछ, अब नहीं चाहिए, मेरे को बुक मिल गई है, माला मिल गया है, हरी नाम मिल गया है, कीर्तन मिल गया, और क्या चाहिए मेरे को, मंदिर से मतलब नहीं है, भक्तों से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रिया हमारी कृष्णा भावनामृत में क्या है, दास दासानु दास बनने के, तो भक्तों का संग चाहिए ना, भक्तों के संग में भक्ति होगी, दास दास अनुदास तो यही ना, भक्तों के संग में रह के हम भक्ति करें, तो ऐसा नहीं है कि भक्तों से दूर छूट भागे जाके, जैसे एक छोटी पुस्तक लिखी ना प्रभुपाद जी ने, क्या इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, एक तो ये हुआ, अब इसको देखो, अब हमारे बद्ध अवस्था देखिए, क्या हम इसको क्या बना देते हैं, इजी जर्नी टू अदर टेम्पल्स, या इजी जर्नी टू अदर क्लासेस, इजी जर्नी टू अदर डिवोटी एसोसिएशन, इजी जर्नी टू अदर ये टू अदर वो, कितना फिकल है हमारा मन कि भाई जैसे कोई मंदिर में रहते हैं, अरे ये मंदिर में ठीक नहीं है, उस मंदिर में बढ़िया है, या मैं उस मंदिर में जाके रहूंगा, फिर वहां पे वहां कौन सी समस्या नहीं होगी, जहाँ भक्त रहेंगे इत्यादि, अभी हम सब इम्प्रूविंग स्टेज में ना, प्यूरिफाइंग स्टेज में, सारे के सारे प्योर तो हुए नहीं है, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो होगा, रजोगुण तमोगुण इत्यादि, हमारा माइंड सबका, और समस्या और कहीं नहीं है, हमारे मन की है। एक और बात बताऊं, देखो बड़े थोड़ा मनन चिंतन वाली बात है और है बहुत प्रैक्टिकल, अब समझिए एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए भक्त लोग, ठीक है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो बाजार में, मार्केट में, जहाँ पे भी गए, और काफ़ी भीड़ है ऐसे, तो एक डिवोटी है, वो बढ़िया से लोगों को रोक रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और भागवत गीता बांट रहे हैं, और चंदा ले रहे हैं, लक्ष्मी इकट्ठा कर रहे हैं मंदिर की सेवा और के लिए, और वहीं पे फिर दूसरा भक्त भी उन्हीं के साथ गया, तो वो भी दूसरी सड़क के दूसरे साइड में वो कर रहा है, अब उसको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशान, कोई रुक नहीं रहा, सबसे पहले कोई रुक ही नहीं रहा, और उसके बाद कोई रुकता है तो बात नहीं होती है, बात होती है तो बस ऐसे ही चला जाता है
है, तो वो बहुत परेशान हो रहा है, थोड़ी देर हो गया, काफी देर हो गया, जितना भी टाइम हुआ। तो वो आते हैं इन भक्त के पास कि यार तुम रास्ते के इस साइड में हो, या तुम्हारे फुटपाथ में ना बढ़िया बढ़िया लोग हैं, तुम्हारे यहाँ ठीक है, मेरे फुटपाथ में जो लोग हैं ना उनका मूड खराब है, सुबह से ही पता नहीं उनको क्या, इस वास्तु अच्छा नहीं है। हा? जिस रास्ते में मैं खड़ा हूँ, तुम्हारे जिस रास्ते में हो, तुम्हारे रास्ते का वास्तु मेरे को बढ़िया लग रहा है, मेरे रास्ते का वास्तु ठीक नहीं है, लोग भी अच्छे नहीं है यहाँ पे, व्यवहार भी ठीक नहीं है, और गरीब है, पता नहीं कैसे कैसे अजीबो गरीब लोग हैं, गरीब मतलब अजीबो गरीब लोग हैं, तुम्हारे यहाँ पे सब ठीक ठाक लग रहे हैं। तो एक काम करो, स्वैप करो, क्या तुम मेरे फुटपाथ में आके रोको और गंध वितरण करो, और मैं तुम्हारे फुटपाथ से करता हूँ, लेट्स स्वैप प्लेसेस। तो ठीक है, उस भक्त ने बोला ठीक है जैसा तुम चाहो। तो वो दूसरी जगह आ जाते हैं और ये यहाँ आ जाते हैं। फिर अब वो दूसरी जगह कर रहे हैं और वो वहाँ पे भी कर पा रहे हैं, वो वहाँ पे भी लोग रोक पा रहे हैं, लोगों को बात कर पा रहे हैं, भागवत गीता दे रहे हैं, बढ़िया भगवान के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। और ये डिवोटी, ये भक्त को यहाँ पे भी परेशानी हो रही है, वैसे ही परेशानी, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, ये फिर से आता हूँ उस डिवोटी के पास और क्या बोलता है कि अरे तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, अब है ना लगता है मेरे को सारे इस रास्ते के लोग उस रास्ते में आ गए हैं, है ना, मैंने स्वैप किया, मेरे को लगता है वो भी मेरे साथ स्वैप कर गए हैं, सब के सब कैसे ऊटपटांग लोग मिल रहे हैं मेरे को, कोई रुक ही नहीं रहा, रुक रहा है तो बहस कर रहा है, तर्क कर रहा है, कोई ले ही नहीं रहा है। आज तो इस हिसाब से कि भाई ऐसे एक बात नहीं बनेगी ना, हम कब तक रास्ते बदलते रहेंगे, कब तक हम औरों में ये देखते रहेंगे कि ये ऐसा है वो वैसा है, ये ऐसी है वो वैसी है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, व्यक्तिगत रूप से हमें ये खुद देखना होगा, व्यक्तिगत रूप से ना हमें थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव उठानी होगी और खुद के मन को ही समझाना है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भाग, अभी देखो यूट्यूब में भी ना कितने, और खैर ये डिवोटी है इनका सुनता हूँ, वो डिवोटी है उनका सुनता हूँ, ये इनका, टू बिगिन विथ इट इज फाइन, टू बिगिन विथ फिर भी ठीक है, एक साल 2 साल चलो ठीक है, इधर उधर से सब जगह अलग अलग स्पीकर्स और से हम सुनते रहे भक्तों से, सभी बढ़िया, आगे जाके ना क्या ना थोड़ा एकांतिक भाव डेवलप करनी है ना, तो एक मूड, एक भाव, कि कौन भक्त कौन साधक किस भाव में वो साधना में जुड़ा हुआ है, साधना कर रहे हैं, उस भाव को हमें अंगीकार करना है, वैसे भाव को, कितनी जगह भागवत गीता में भगवान भाव के बारे में बताते हैं ना, तो हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करनी है, विशेष करके महाप्रभु, महाप्रभु आए ना इस युग में क्या देने आए हैं, हमें क्या भाव प्रदान करने आए, तो उस भाव को पाने के लिए और उस भाव में आके ही भक्ति करने के लिए, और वैसे ही भाव प्राप्त डिवोटी को हमें ढूंढना है। अब हम में देखिए, हमें वो विजन नहीं है कि हम समझ पाए कौन बढ़िया है कौन कितने, सभी बढ़िया है, डिवोटी तो सभी अच्छे हैं, लेकिन कौन शुद्ध है, कौन वास्तव में आसक्ति के स्टेज पे है और उससे ऊपर, तो उसी के लिए कातुर भाव से प्रार्थना करनी है भगवान को। जपा किस लिए है, प्रार्थना ही तो है जपा, ये तो साइड बात है, अलग बात है कि मन को सेटल हो जाता है, ठीक है भाई मन हमारा शांत रहता है, पीसफुल रहता है, भटकता नहीं है, लेकिन जपा का प्रयोजन ये नहीं है। आज श्रील हरिदास ठाकुर का प्राकट्य दिवस है ना, और चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं श्रील हरिदास ठाकुर जी की वार्तालाप में, वो बताते हैं ये तो गौण फल है हरि नाम का, मन काबू में हो जाता है, मन इधर उधर भागता नहीं है, ये सब सारे गौण फल हैं, कोई मुख्य फल नहीं है, मुख्य बात नहीं है जपा की, मुख्य बात तो क्या है जपा में कि भगवान में राग अनुराग हो, जपा क्या पुकार है ना भगवान के लिए, पुकार है ये, कॉल है, क्योंकि श्री श्री राधा श्याम सुंदर उनको पुकार है भगवान को, युगल सरकार को, कि आप अपनी प्रेम में ही सेवा में हमें भी नियोजित करें, अपने अंतरंगा की, भगवान की अंतरंगा की शक्ति से पुकार है, प्रार्थना है, याचना है, एप्लीकेशन भरना है ना, ये है,
कि काइंडली एंगेज अस इन योर लविंग डिवोशनल सर्विस, आपकी प्रेम में लीला विहार में हमें भी कुछ रोल दें, एंगेजमेंट दें, हम भी सेवा करें आपके। संसार में तो सेवा ही करते आ रहे हैं, संसार की क्या मिल रहा है उससे, और हमारा स्वरूप ऐसा नहीं है ना, शिवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य था, हम भगवान से, हमारा मूल संबंध भगवान से और भगवान से ही संबंध से सभी के साथ संबंध है, उसको मांगना चाहिए। नहीं तो क्या है ना, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, इजी जर्नी टू अदर यूट्यूब चैनल्स, ये इनका सुनना उनका सुनना, ये सब चलते रहेगा ऐसे, ये कीर्तन इनके बढ़िया उनका बढ़िया है तो सभी अच्छा, लेकिन हमें एक जगह अपने आप को सिचुएट करना होगा ना, अदरवाइज जॉब जंपिंग हॉपिंग ये ऐसे ही चलते रहेगा फिर। तो जितना शुरू से ही हमारा भाव बनते रहे धीरे धीरे क्लियर, उतना साधना में कैजुअलिटी नहीं आएगी। साधना में कैजुअलिटी आ जाना ये बहुत बड़ा अभिशाप है एक प्रकार से, साधना में कैजुअलिटी आ जाना, डेस्परेशन उत्पन्न करना है हमें साधना में, और साधना फ्री फ्लो होना चाहिए विदाउट प्रेशर ना, रिलीज करते हुए विदाउट प्रेशर, डेस्परेशन भी उत्पन्न करनी है, एंथ्यूज्ड भी रखना है अपने आप को, तभी हो पाएगा। अगर हम इधर उधर करते रहेंगे बहुत दिक्कत है। तो जैसे वो डिवोटी कि भाई बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारे स्ट्रीट्स में लोग अच्छे हैं, मेरे स्ट्रीट्स में लोग अच्छे नहीं मिल रहे हैं मेरे को, स्ट्रीट्स बदल लो, रोड तुम मेरे स्ट्रीट में आओ मैं तुम्हारे में आता हूँ, ये लो जी। फिर भी बात तो वही की वही रही, वो फिर कि भाई अब तुम्हारे वाले सब यहाँ पे आ गए हैं, तो ऐसे अदला बदली से बात नहीं बननी। अब देखिए यही ना, लोग कोई बोल देते ना कि भाई बढ़िया तुम इसी उम्र में लग गए, मतलब छोड़ दो सब कुछ है, बाबा जी बन जाओ, जाके जाओ हरिद्वार में बैठ जाओ, हाँ गंगा किनारे बैठ जाओ, वृंदावन में जाके बैठ जाओ, और ऐसे लगता है बाबा जी बन जाओ, बस कटोरा ले लो भीख मांग लो खाते रहो और बस जिंदगी बिता लो, किसी काम के नहीं। अरे योगी ऐसा थोड़ी ना, योगी तो वो जो औरों के लिए काम आए, उपयोगी बने, वो योगी है जो औरों के लिए काम आए। जैसे वो बात करी ना कि समझो मेट्रो में कोई माता जी है, कोई भी हो मेट्रो में, लेकिन समझो उनका फोन छूट गया घर पे, अब उनको ट्रेन पकड़नी है, मिलने जाना है, आगे बात है इत्यादि, तो वो उनको नंबर अगर पता हो तो हम फोन मिला देंगे ना उनके लिए, उस नंबर पे बात करा देंगे, या समझो उनके फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो हम उनके फोन रिचार्ज करा देंगे ना वहीं के वहीं, ये लीजिए आप टॉप अप करा लीजिए। वो अगर बोले लेडी कि अरे तुमने कर दिया, देखो मेरे पास कैश है लेकिन मेरे को पता नहीं कैसे मैं रिचार्ज कर लूँ कैश से, समझो आप हाँ, तो अब हम अपने फ़ोन से विच एवर वे हम रिचार्ज कर दें उनको, और वो कैश दे हमें, ये लो कैश रख लो, समझो हमने 200 रुपये का रिचार्ज किया, वो 500 का नोट दे रही है, हम रखेंगे क्या? नहीं नहीं हाँ? और इसमें जो सुख है किसी के काम में आना, इससे बड़ा सुख थोड़ी ना और कोई मिलता है हमें संसार में, किसी के काम में आना, किसी को रोटी खिलाना, किसी के लिए कपड़े की व्यवस्था करना इत्यादि, कितना एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो समझो भगवान के अगर हम काम आए तो कितना सुख मिलेगा हमें, कितना सुख मिलेगा, है ना? तो उपयोगी बनाना है अपने आप को, तैयार रखना हमें अपने आप को भगवान की सेवा के लिए। तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी या कृष्णा भावना में था बस कोई काम के नहीं रहे और हरिद्वार चले जाओ बैठ जाओ ना? अब भाई तीसरे अध्याय में भी आगे बताया ना भगवान ने, मन को समझाना है, शरीर ले गए तो क्या हुआ, मन तो नहीं गया ना, शरीर ले जाओ मायापुर वृंदावन, मन कहाँ फंसा दिल्ली बम्बई में, समझो संसारी वासनों में, शरीर को ले गए हम हरिद्वार बिठा दिया, शरीर बैठ गया मन कहाँ फंसा है, मन से हमें उठाना ना अपने आप को, और अगर मन से ऊपर उठा लिया तो सेंट्रल लंदन में भी भले क्यों ना रहो, है ना, न्यूयॉर्क जैसे माया के अड्डे में क्यों ना रहो, मन से अगर उठा लिया तो फिर दिक्कत नहीं है, और फिर आगे का और रास्ता बनाते चलेंगे ना, आगे का और रास्ता बनाते चलेंगे। तो शरीर तो देखे वो फॉलो करता है मन को,
मन से हमें अपने आप को ऊपर उठाना है, वरना इमेच्योर स्टेट में चले गए हम, समझो वृंदावन मायापुर या इमेच्योर स्टेट में चले गए, चले जाओ हरिद्वार जगन्नाथपुरी ऋषिकेश, वहाँ पे भी शांति नहीं मिलेगी ना, वहाँ पे भी नहीं मिलेगी शांति कहीं पे भी। तो मन को हमें शुद्ध करना है, मन को समझाना है, ये सारी पूरा एक अध्याय मन के लिए डेडिकेटेड है, पूरा का पूरा एक अध्याय। इसीलिए इतना छलांग मारने से इधर उधर जाने से कुछ नहीं होना, अपने मन को समझाना है। और हम जपा करें खूब बढ़िया से, जपा का भाव भी जितना अच्छा बनता रहेगा ना, जितना सही बनता रहेगा, उतना हमारे लिए कल्याणदायक होगा। तो जपा इसलिए नहीं है कि मन को, मन हमारा ठीक रहे, वो अगेन एक साइड बात है, साइड प्रोडक्ट है। अब देखिए आज के डेट में ऐसा है ना, अभी समझो कोई अमेरिका से वृंदावन जाए, क्या है भाई 16 घंटे में जर्नी पूरी हो गई। या चलो छोड़ो ये बात भी छोड़ो, अमेरिका से वृंदावन ये तो बहुत द्वीप और पार करने की बात है ना। अभी भारत में कितने तीर्थ स्थल है, यूरोप और भी कई देशों में हमें मिल जाएंगे प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज तीर्थ स्थल। अभी देखो देखिए भारत में भी ना तीर्थ स्थल क्या, पहले कैसे होता था, लोग पदयात्रा करके ही निकलते थे, पदयात्रा करके ही। आज के डेट में भी जैसे महाराष्ट्र राजस्थान इत्यादि ऐसे मंदिर और जाएंगे तो घर से पैदल होके ही निकलते थे। तो वो पैदल होके निकलने में क्या, कीर्तन जपा करते हुए, तो वो अपने शरीर को लेके जा रहे हैं और साथ में मन बनते जा रहा है, और एक एक वेट, एक डेस्परेशन कि 3 दिन में मैं पहुंच जाऊंगा तीर्थ स्थान पे, 3 दिन में, अब 2 दिन शेष है, अब 1 दिन शेष है, इतने घंटे शेष है, तो वो मन प्रिपेयर हो रहा है ना पूरा। बट आज के डेट में क्या, ओ भाई गाड़ी लो, ओला बुक करो या गाड़ी लो, 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे वृंदावन। मन तो नहीं पहुंचा ना, मन कहाँ, देखो ये बात सही है कि नहीं। देखे दिल्ली से अचानक प्रोग्राम बना लिया या चलो मन हो गया या चलेंगे, ठीक है, अब गाड़ी ले ली, हम चले गए वृंदावन, 4 घंटा लगा, 6 घंटा लगा, आराम से खाते पीते मजे करते हैं ना, अंकल चिप्स खाते हुए, पेप्सी कोका कोला पीते हुए, समझो और तो भक्त लोग नहीं खाते ये सब, ऐसा नहीं करते हैं, बट ऐसा करते हुए चले गए। अब क्या है, 4 घंटे में पहुंच तो गए हम, फिजिकली अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर दिया, और वृंदावन को भी फिर हम कैसे देखेंगे, एक फिजिकल प्लेस के रूप में, कहाँ, एक पॉलिटिकल स्टेट है इंडिया के अंदर, उत्तर प्रदेश जिसका नाम है, उसके अंदर एक छोटा सा गाँव के हिसाब से। तो एक फिजिकल कॉन्शियसनेस, मेटीरियल कॉन्शियसनेस ने अपने आप को हम वहीं पे वो रखेंगे, उसी भाव से पहुंच गए वृंदावन। मन तो नहीं पहुंचा ना, मन कब पहुंचता है, अगले दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद। क्यों, अभी तक 2-3 दिन तक मन कहाँ पे, उस दिन मन कहाँ पे, वही हमारा दिल्ली में ही मन बैठा पड़ा है, उन बाजारों में, दुकानों में, घर के बातों में, व्यापार के बातों में। फिर 1 दिन रहे वृंदावन में, 2 दिन रहे, तो अब जाके लगता हाँ अब चलो, अब मन हमारा दिल्ली गुड़गांव से छूट के बाहर निकला है और वृंदावन में रमा है। तो आज ऐसा नहीं ना, पहले था कि भाई लोग पदयात्रा या इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते थे। देखिए बलराम जयंती आती है, उससे पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करें, बलराम जयंती से थोड़ा पहले को, कुछ टाइम पहले नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, बलराम जयंती, बलराम जयंती आई, 2 हफ्ते बाद कृष्ण जन्माष्टमी, तो वो पूरा 2 हफ्ता प्रिपेयर करें अपने आप को जन्माष्टमी के लिए, उस भाव में लेके। फिर कृष्ण जन्माष्टमी के 2 हफ्ते बाद राधाष्टमी है ना, अपने आप को और अधिक से अधिक प्रिपेयर करें राधाष्टमी के लिए। अब राधाष्टमी के बाद आने वाला कार्तिक महीना 4-6 हफ्ते में, तो अपने आप को कार्तिक के लिए हम तैयार करें, वैसा भाव बनाए है। तो फिजिकली ट्रांसपोर्ट करना तो आसान है अपने आप को, मुश्किल है मन को ट्रांसपोर्ट करना ना। तो पहले मन, इससे पहले कि शरीर पहुंचे, पहले हमारा मन पहुंचे वृंदावन में, तो शरीर में एक्साइटमेंट पूरा बना रहेगा। जैसे वो बात करी ना हमने, कथा क्या, कहानी के रूप में क्या, कि एक व्यक्ति यूरोप से जाता है नेपाल, हिमालय पर्वत की चढ़ाई करने के लिए। अब वो पहुंच गया यूरोप से, फ्लाइट लेके, डायरेक्ट फ्लाइट या जैसे भी,
काठमांडू पहुंच गया, फिर वहां से भी बस ट्रेन करके पहुंच गया जहाँ पे भी बेस है हिमालय का, ठीक है, और होटल बुक कर ली, एक रात दो रात रुक गया, और फिर सुबह 4 बजे 3 बजे चेकआउट कर रहा है होटल से अपने, और उसको होटल वाला रिसेप्शन वाला बोलता है कि साहब आप जा रहे हो, आपको बता दूं अगले 2 दिन मौसम बढ़िया नहीं है, तूफान है, आंधी है, बारिश है, अगले 2 दिन चढ़ाई के लिए इतनी अच्छी मौसम नहीं है, आपका स्टार्ट अच्छा नहीं होगा, हाँ, और थोड़ा सा रिस्की बात है, और बाकी बाकी आपकी मर्जी है, मेरे को ऐसा नहीं है कि रूम अपना और किराया लेना है लगाना है, रूम आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, 2 दिन रुकना चाहो तो भी रुक जाइए, कई लोग स्थगित कर दिया उन्होंने अपना हाँ चढ़ाई करना, तो ये व्यक्ति क्या उत्तर देते हैं कि ठीक है आप आपने हमें बताया उसके लिए धन्यवाद, हाँ लेकिन देखिए ये मैं यूरोप में रहते ही मन से मैंने हिमालय पर्वत की चढ़ाई कर ली पूरी की पूरी, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली, हिमालय पर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली मैंने, मन से ही यूरोप में रहते हुए मन से मैंने हिमालय नहीं माउंट एवरेस्ट की पूरी चढ़ाई कर ली है, अब जो शेष काम बाकी रह गया वो बस इस शरीर को चढ़ाना है, तो मन से मैंने सारे स्टॉर्म्स आंधी तूफान उनको झेल लिया पहले, और मन से जो चढ़ के मेरे को जो वो भी मिला ना इनाम झंडा, और हाँ भाई मेरा नाम रिकॉर्ड या मेरा नाम भी आ गया ये सब, उससे जो मान सम्मान भी मिला वो उससे भी मैं उठ गया ऊपर, अब उससे भी अब फर्क नहीं है मेरे को, तो जो कष्ट बाधा है वो भी मेरे को सताते नहीं, और जो मान नाम प्रतिष्ठा आएगा उससे भी मैं इतना फूलता नहीं हूँ, मन से मैं उठ चुका हूँ इन सब से, अब बस शरीर की बात है, फॉर्मेलिटी के लिए शरीर को लेके जाना है, शरीर को दर्शन कराऊं मैं, शरीर को चढ़ा के ले आऊं उतना है, तो मन को हमें समझाना है पूरा का पूरा मन को, और देखिए ये तो समझिए यात्रा हमारी अमेरिका से वृंदावन की हो, क्या 16 घंटा में पहुंच जाते हैं ना अमेरिका से वृंदावन, पहुंच सकते हैं ऐसे 18 घंटा 20 घंटे में, है फ्लाइट डायरेक्ट फ्लाइट ले लो या वाया भी लो मिडल ईस्ट से पहुंच सकते हैं फिर दिल्ली और दिल्ली से वृंदावन, लेकिन मन से हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कई बार ऐसा हो सकता है ना वृंदावन पहुंच गए 2 दिन तक कहाँ है मन, फिर वही लंदन में दिल्ली में अमेरिका में बैठा पड़ा है उन्हीं संसारी बातों में, और फिर 1-2 दिन दर्शन परिक्रमा कथा और ये सत्संग करने के बाद जपा करने के बाद मंगल आरती के बाद अब लगता है हाँ भाई अब मैं वृंदावन में, और फिर तीसरे दिन चलो भाई अब हो गए 3 दिन का हमारा प्रोग्राम था, फिर वापस बम्बई की याद आने लगती है दिल्ली की याद आने लगती है ना, तो ऐसा नहीं है, इसीलिए ब्रह्मा जी भी ना स्तुति में अपने 10म स्कंध के 14वें अध्याय में हमें बताते हैं ज्ञाने प्रयासम उद्पास्य नमन्ते एव स्थाने स्थित श्रुतिवताम तनु वाक मनोभे, ये प्रयास अजितो तेरपि अजितो आत्मा की स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनु वाक मनोभे, कि हम अपने अपने मन को एक्चुअली प्रयास करें, मन को हम मन से हम उस वृंदावन कॉन्शियसनेस बनाए जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, अपने वास को अपने निवास को मन से हम वृंदावन कॉन्शियसनेस में लेके आए अपने आप को, एंड देन व्हेन वी गो टू वृंदावन प्रिपेयर आवर सेल्स गोइंग टू वृंदावन, तो फिर देन रियल वृंदावन विल ओपन अस टू रिवील इट सेल्फ रिवील बी रिवील टू अस, तो वृंदा देवी खूब कृपा देगी, तो ये मन को समझाने की बात है, इससे पहले शरीर तो पहुंच जाता है, अब यही देखिए कोई सिनेमा घर में जाना हो मॉल या छुट्टी है 1 हफ्ते बाद दिल्ली शिमला कुल्लू मनाली घूमने जा रहे हैं समझे, तो शरीर बाद में पहुंचता मन पहले पहुंच जाता है, कुल्लू मनाली माउंट आबू में घूमूंगी कुल्लू मनाली में ये करूंगी वो करूंगी इत्यादि केरला जाऊंगी ये सब, तो शरीर तो गया नहीं मन पहले पहुंच जाता है, क्योंकि अभी मन वहीं रमा हुआ है ना संसार में, तो मन को भगवान में रमाना है फिर शरीर पहुंच जाएगा, मन पहुंच गया तो शरीर फॉलो कर लेगा, ठीक है कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें, ओके तो इस अध्याय का आखिरी श्लोक देखते हैं, योगी नाम सर्वेशा मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत
सुधा माता जी आप अनुवाद पढ़िए और हर्षा आप तात्पर्य पढ़िए। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। अच्छा पढ़िए। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा ना करने वालों को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा ना करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमि ईश्वरं न भजन्त्य वजानन्ति स्थान अद्रष्टा पतन्त्य ध। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानन्ति शब्द भगवद गीता में भी पाया जाता है। अवजानन्ति माम मूढ़ः, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति ना होने पर भी भगवद गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्षिप पूजन शब्दों में अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते यानी मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो वह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है,
तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ मैं भक्ति योग ही चरम, यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्णा भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्णा भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदवश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, विराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। श्वेताश्वत उपनिषद यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रस्य भजनम तदिहा मुक्त्रुपाधि निरासेनाशु नामुष्मिना मना कल्पनमेतत्तेव नैष्कर्यम्। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म्य का यही प्रयोजन है। गोपाल तापनी उपनिषद
ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धि मई अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अनुजा, यू रीड ट्रांसलेशन। अनुवाद पढ़िए अनुजा। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो ये छठा अध्याय का आखिरी श्लोक है। देखिए, अधिकतर तो इस अध्याय में मन की बात चली ना, भगवान मन को कैसे वश में रखने के लिए कई हमें शिक्षाएं बताते हैं। और चैंटिंग बहुत उचित तरीका है जप। और संसार में देखिए, जपते तो सभी हैं, सभी जप रहे हैं ना। अभी देखो, 24 घंटा हम कुछ ना कुछ जप ही रहे होते हैं, बोलते ही रहते हैं इधर उधर का, इधर उधर का। कहाँ जाओ, नेता लोग में देखो तो इतना भाषणबाजी ये सब चलता ही रहता है सब। स्पोर्ट्स में देखो तो कितने फैंस लोग कितने बोलते रहते हैं अपने स्पोर्ट्स स्टार्स को, लाइव गेम में ना कमेंटेटर्स कमेंट्री चल ही रहती है, हर एक स्पोर्ट को लेके कमेंट्री या कुछ चलता ही रहता है ना, रेडियो चलता रहता है। तो सब जप तो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जप प्रैक्टिकल नहीं है या क्या। एक कलयुगा में तो और ही जप थे ना सब, कितना जप रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं जप रहे हैं या भगवत बुद्धि से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो प्रोसेस तो वास्तव में उचित है नाम जप करना, भगवान का नाम जपे हम और वैराग्य उत्पन्न करें। वैराग्य उत्पन्न करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर वैराग उत्पन्न हो रहा है हमें, ज्ञान अपने आप आ जाएगा। ज्ञान की निशानी है, अगर किसी में वैराग है तो मतलब ज्ञान ही है। तो ठीक है, तो पूरा अध्याय में विशेष करके ये मन की चर्चा चली ना, मन को कैसे काबू में रखा जाए, क्यों रखना है इत्यादि। अब भगवान देखिए अंत कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कैसे कितनी बढ़िया जर्नी है। अगर हम देखें, फैसिनेटिंग राइड है भागवत गीता में, और सभी कुछ मिलता है हमें, थ्रिल एक्साइटमेंट रोमांच ह्यूमर कॉमेडी भी मिलेगा और सब कुछ मिलता है। तो जैसे भगवान ने बताया ना कि मन को ऐसे काबू, फिर योगी योगी बनो। और अब बता रहे हैं भगवान टॉप मोस्ट योगी कौन है, कैसा योगी बनो। योगी नाम अपि सर्वेषां, सब योगियों में टॉप मोस्ट कौन है। मद गतिन्दांतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत, जो श्रद्धा से पूर्ण श्रद्धा से मेरा भजन करता है, भजता है ना। तो ये नाम जप करना ये पुकार है, ये पुकार है भगवान के लिए। और पुकार देखिए हेल्पलेस स्टेट में, क्रंदन है ये क्रंदन। तो हमें जपा तो वास्तव में वही शुद्ध जप है जहाँ पे क्रंदन है, जहाँ पे डेस्परेशन है, जहाँ पे लोभ है, जहाँ पे सेपरेशन अनुभव हो रहा है, भगवान से विरह अनुभव हो रहा है। अगर हमें कहीं पे विरह अनुभव नहीं हो रहा है, कहीं पे क्रंदन नहीं है, लोभ नहीं है, तो बहुत फिर तो क्या, फॉर्मल रिलेशन एक बना हुआ है बस। फिर तो बस एक फॉर्मल रिलेशन बन के ड्यूटी बजा रहे हैं या कर रहे हैं पूजा पाठ पंडित के हिसाब से, या पूजा पाठ नया कर्म कांड समथिंग, लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति में लालसा, लालसा बिना लालसा के भक्ति नहीं होती ना, बिना उत्कंठा डेस्परेशन के भक्ति नहीं होती है। और बिना ये ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी तो दैन्य, ह्यूमिलिटी तो सिनोनिम है प्रेम के, परिवार परि वो है पर्यायवाची है प्रेम का ही। ह्यूमिलिटी सिनोनिमस टू लव। तो सारे योगियों में, अभी भगवान ने इससे पहले बताया ना, कर्म योगी से बड़ा ज्ञान योगी है, ज्ञान से बड़ा ध्यान योगी है,
उससे बड़ा ये है तुम योगी बनो अर्जुन, और फिर कैसा योगी बनो वो बता रहे हैं, जो प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक मेरे तत्परायण मेरे परायण है वैसा बनो, वही हमें वही प्रेम है वही सेवा है ना भाई। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है ना, जो जिसका जिस जो कृष्णा शेल्टर्ड है, जिसने भगवान की शरणागति दे रखी है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, अंतकरण में भगवान का विषय चिंतन होना चाहिए, हमें संसार का नहीं। संसार तो हमें बस ऐसे ड्यूटी के हिसाब से, वही बात कर रहे थे ना कि संसार हमें क्या सिखाता है, अगर करनी है ना भजन भक्ति तो संसार ये बोलता है इतना भी क्या करना है, सुबह कर लो थोड़ा, शाम को रात को कर लो बस, है ना, ड्यूटी के हिसाब से कर लो अपना, उतना करो और क्या, फॉलो योर अपने मन को सुनो, मन की बात मानो, अपने आप को प्रेम करो, औरों को प्रेम करो, संसार को प्रेम करो, अपनी इच्छाओं वासनाओं को पूर्ण करो, ये सिखाता समझाता। लेकिन कृष्णा भावनामृत के क्या है कि संसार में हम बस अपनी ड्यूटी बढ़िया से निभाएं ठीक है, बाकी पूरा अपना प्रेम भगवान से ही। प्रेम भी ना ऐसी चीज है ना, प्रेम एक साथ नहीं हो सकती दो वस्तु में, जैसे आसक्ति एक साथ दो विपरीत वस्तुओं में नहीं हो सकती ना, तो प्रेम भी हमारा या तो संसार में ही होगा या फिर भगवान में होगा, ऐसा नहीं है एक साथ हम संसार में भी प्रेम कर रहे हैं, संसारी प्रेम भी रख रहे हैं और भगवान के साथ भी प्रेम हो रहा है ना, ये घर वाली बाहर वाली सिस्टम चलेगा ही नहीं, एकदम चलेगा ही नहीं। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं घर वाली बाहर वाली सिस्टम चलाने में, तो हम खुद ही को चोट पहुंचा रहे हैं, खुद ही को हम भ्रम में रख रहे हैं, खुद ही का नुकसान होगा और घूम फिर के बात आएगी क्या, ना माया मिली ना राम। माया तो आज तक किसी को नहीं मिली है, कोई बोल सकता है क्या माया मिली है, और फिर से भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण अवश्य मिले और हमें भी मिल सकते हैं। तो जो अवश्यम भावी है उसी के पीछे हमें प्रयत्न करना चाहिए ना, बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो चीज श्योर है सर्टेन है सब्सटेंशियल है और पाने योग्य है, उन्हीं के पीछे हमें जाना चाहिए। तो भगवान मन के बारे में कई बता के फिर कहाँ गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, देखिए अपनी वाणी को भगवान एक प्रकार से विराम या कहाँ पे उसका समाधान हमें बता रहे हैं कि ऐसा योगी बनो जो श्रद्धा से मेरे परायण रहो तुम और मेरा भजन करते हुए तुम करो सेवा, प्रेम में ही सेवा करते हुए इस संसार में संबंध रखो, वही टॉप मोस्ट योगी है। और योग का मतलब ही क्या है, प्रेम में ही सेवा। तो कर्म योग में भी अगर थोड़ा बहुत भी प्रेम में ही सेवा नहीं है तो वो कर्म योग नहीं है फिर, है ना। योग मतलब भगवान से कनेक्शन, भगवान के साथ संबंध। तो कर्म योग भी कर्म योग तब कहलाएगा जब भगवान केंद्र में है और भगवान के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। लेकिन संसार में देखो कितनी नास्तिकता है, विडंबना है। भागवत गीता के दर्शन से पहले, कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से पहले हमें क्या लगता है, कहाँ नास्तिकता है, देखो कितने मंदिर है, कितने लोग हैं कि सब पूजा पाठ करते हैं, ये सब कितने लोग हैं, कहाँ नास्तिकता। लेकिन अब देखिए ऐसा लगता है कि मंदिर होते हुए भी, लोग जाते हुए भी, घर पे भी मंदिर होते हुए भाव से और बुद्धि से नास्तिक ही हैं। क्यों, क्या बोलते हैं कि कर्म कर्म योग मतलब क्या, कर्म और योग ना, जहाँ योग नहीं है, जहाँ भगवान से जुड़ा हो भगवान से संबंध नहीं है तो वो कर्म कर्म योग नहीं कहलाता। लेकिन संसार में हम क्या सुनते हैं, घर परिवार समाज ही हमें क्या प्रोत्साहन की भाई कर्म करो फल की इच्छा मत करो और भगवान को तो इक्वेशन से हटाई दो, बस अच्छा कर्म करते चलो, उससे क्या होगा तुम पति पत्नी सब बढ़िया से रहो। हाँ लोग क्या बोलते हैं, देखो जब अपने काम कराने आती है ना बात, अपनी बात रखने के लिए, तो तुम ऐसे सेल्फलेस होके कर्म करो ये करो। हाँ और नेक्स्ट मोमेंट में हम कैसे काम कर्म करते हैं भाई, यही कि कितना सुख संपत्ति घर आ जाए और उससे क्या करूंगा, मजे करूंगा, शिमला कुल्लू मनाली जाऊंगा, घर परिवार से साथ थाईलैंड हॉलीडे मनाने जाऊंगा, भगवान कहाँ है इस इक्वेशन में, भगवान तो कहीं पे भी नहीं है, ये कैसा कर्म योग कर रहे हो भाई। ये तो कर्म योग के नाम पे तुम खुद इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, अपने मजे ले रहे हो और भगवान का एक चोला पहना दिया।
कर्म योग ना, भगवान जहाँ पे कहीं इन्वॉल्व हो, एंगेज हो, कोई कनेक्शन कम्युनियन यूनियन हमारा हो रहा है, तो वो उसको बोल सके कि भाई योग है और कर्म कर रहे हैं तो कर्म योग, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं लेकिन भगवान ही कहीं सेंटर में नहीं है। इसीलिए देखो कितने संसार में लॉजिशियन फिलोसोफर्स हैं, इतनी इतनी थिंकर्स हैं, लेकिन भगवान कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है। क्या फायदा उस ज्ञान का, वो ज्ञान योग थोड़ी ना है। तो बस ज्ञानी बनो ज्ञानी बनो ज्ञानी बनो, कर्मी से ज्ञानी ऊंचा, अरे कर्म योगी से ज्ञान योगी ऊंचा। कर्मी और ज्ञानी तो अगर योगी नहीं है तो फिर दोनों एक बराबर ही है भाई, क्या फर्क है, कोरा ही ज्ञान है वो फिर, है ना। तो हमें वास्तव में योग का मतलब ही भक्ति योग है, बाय डिफॉल्ट योग का मतलब ही भक्ति योग है। और भक्त मतलब क्या, प्रेम में ही सेवा, समर्पित होके प्रेम में ही सेवा करना, वही योग है। तो योगी नाम अपि सर्वेषां। अब हम चर्चा कर रहे थे ना, अब देखो, देखिए वही प्रश्न बताइए, अब देखिए इस प्रश्न को और थोड़ा सा सही रहता है क्या, कि मैं जो मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम में सेवा कर रहा है, दीक्षित हुआ हुआ सैफरन में, वो मेरा भाई है, ये अच्छी भगवत बुद्धि भगवत विचार है, या जो मेरा भाई जो है वो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी को अपना भाई समझना, ये कृष्णा भावनामृत बुद्धि है, या अपने भाई को ब्रह्मचारी भक्त समझना कृष्णा भावनामृत बुद्धि है। और वो भाई यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, और वो भाई वास्तव में भक्ति करना चाहिए ना, ऐसा ऐसा नहीं कि हम, अब समझिए अगर मेरे माता जी पिताजी अगर भक्ति नहीं करते, नाम जप इत्यादि श्रद्धा नहीं है, तो उनको भक्त नहीं मान सकते ना। और ऐसा नहीं है कि उनके साथ हम दुर्व्यवहार करें, दुर्व्यवहार तो किसी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो माँ बाप का संबंध और जो ड्यूटी पूर्वक है वो होगा, लेकिन अगर भक्ति में है ना तो आत्मीयता से संबंध बन ही जाएगा। इसीलिए देखिए ये सब अनुभव की बात है ना, भाई भाई में इतना प्रेम नहीं झलकेगा, सगा भाई भाई होते हुए भी, दोस्त बचपन का दोस्त होते हुए भी वो प्रेम नहीं झलकेगा जो कोई एक भक्त के साथ हमारा संबंध में हो जाए। अब भक्त कितना, 1 महीने से ही हम जान पहचान में हो समझो, 1 ही महीना हुआ हो उससे भी कम समझ लीजिए, लेकिन पता है कि ये भक्ति करते हैं, बेस में रहते हैं, ये डिवोटी है, हाँ और मैं भी बेस में रह रहा हूँ समझो, 1 ही महीना हुआ है भक्ति कर रहे हैं या उससे भी कम, लेकिन भाई भाई या दोस्त दोस्त बचपन का ही, वो संबंध भी फीका पड़ जाएगा, क्योंकि आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है ना वो संबंध। और बेस में या भक्तों के संग में कहीं पे भी मंदिरों में रह के, और कोई भी हो, रशिया का हो, यूक्रेन से हो, कहीं से भी हो, साउथ अफ्रीका से हो, न्यूजीलैंड से हो, कोई जरूरी हो ना पहले से हमें पता हो, कंठी माला तिलक देखे पता चला, नाम जप करते हैं, हाथ में माला है, भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो एक भक्त से हाथ मिलाना है ना, एक भक्त का हाथ मसाज करना, हाथ मिलाना, गले लगाना, आलिंगन करना, वो जो सुख है वो और जगह नहीं होगा, नहीं मिल पाएगा, ऐसा बात बनेगी नहीं, क्योंकि अब हमारा सामान्य ज्ञान विवेक पूरा बदल चुका है या बदल रहा है। अब हम भगवान के हैं, भगवान हैं हम, आत्मा है ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और क्या हमारा स्वरूप क्या है, कृष्ण नित्य दास, ये हमारा बेसिक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान के आधार पे अब हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और संसार में लोगों के लिए भगवान है बस एक कॉन्सेप्ट बने हुए, या जब अपनी बात सीधी करनी हो तो हाँ हाँ भगवान भगवान, अदरवाइज संबंध में कहाँ कोई जी रहे। तो कौन सा ज्यादा बढ़िया विवेक है, जो ब्रह्मचारी है वो मेरा भाई है, या जो मेरा भाई है वो ब्रह्मचारी है, जो भक्त है वो मेरा भाई है, या जो मेरा भाई है वो भक्त है। अल्टीमेटली पहचान कहाँ पे है, जो पहले में जो ब्रह्मचारी है वो मेरा भाई है, तो अल्टीमेटली हम क्या साइन ऑफ कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि ये अल्टीमेटली मेरा भाई है ना। और अगर ऐसा बोले कि जो मेरा भाई है वो ब्रह्मचारी है वो भक्त है, तो अल्टीमेटली हम क्या बोल रहे हैं, भाई है मेरा लेकिन अल्टीमेटली वो भक्त है, वो ब्रह्मचारी है कि नहीं। तो अब भाई कहना किसी को, साधु को, वो जो साधु है वो मेरा भाई है, वाह रे
साधु कौन जो कृष्ण परायण कृष्ण आसक्त ना भगवत परायण भगवत आसक्त, उसको अब उसको अगर हम भक्त साधु को हम अपना भाई समझ लें, बाप रे, तो उसको तो संसार के स्तर पे ला के रख दिया ना, संसार के स्तर पे, माइक स्तर पे। तो इसीलिए हमें सारे अपने संबंधों को स्पिरिचुअलाइज करना है, और इसमें ये मेरे तेरे वाली बात भी नहीं है। अब हमें अपने मैं पने को ठीक करना है ना, सबसे पहले हमें अपने आप को कि मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण की हूँ। और देखिए एक और बात कहूँ, जब भी हम कृष्ण कहें ना तो राधा कृष्ण सब मिल लेती हैं, ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कृष्ण कहें तो राधा कृष्ण सब मिल लेती हैं, भगवान, हम एकाकी कृष्ण का भजन नहीं करते और भगवान बिना राधा रानी के कभी है ही नहीं, इनकम्प्लीट ही या है ही नहीं, है ना। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई दे धरी, अन्य अन्य रसे विलसे आसास्वादन करी, रसास्वादन करी, अन्य अन्य विलसे रसास्वादन करी, है ना। तो जब भी हम कृष्ण कहे ना उस संबोधन, तो उससे श्री राधा कृष्ण श्री राधा श्याम सुंदर का ही हमें बोध होना चाहिए। और एक और, जब भी परमात्मा ईश्वर भगवान ऊपर वाला नीचे वाला कहे ना इससे, तो उनसे भी हमें कृष्ण का ही बोध होना चाहिए, कृष्ण का ही समझ, परमात्मा कृष्ण है यही होना चाहिए, कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण का ही बोध होना चाहिए। तो अभी अल्टीमेटली हम क्या साइन ऑफ कर रहे हैं कि ब्रह्मचारी या भक्त ना या भाई, अभी भाई बताना तो थोड़ा सा ऐसा देहात्म बुद्धि से हो गया ना, हाँ ये मेरे माँ बाप और माँ बाप के संबंध से ये मेरा भाई है, और ऐसा मटेरियल रिलेशनशिप हो गया ना। लेकिन भक्त समझना मतलब यस वी साइन ऑफ कि ये कृष्ण का है, भक्त मतलब कौन जो कृष्ण का है, वही भक्त है ना। डिवोटी मतलब कौन जो समर्पित है विष्णु को, वही भक्त है जिसने वाव ले रखा है भगवान की सेवा करने का, और जो उस वाव में है प्रतिज्ञा ना। तो भक्ति देखना हमें, अब ऐसा नहीं कि मेरा भाई अगर वास्तव में समझे भक्ति नहीं करता हूं, मेरा दोस्त भक्ति नहीं करता तो उसको भक्त देख लें ना, वो नहीं चलेगा, वैसा नहीं। तो मुंह कहने का आशा ऐसा है कि हम सम्मान तो सभी का करें, सम्मान सभी का करना हमें, हमें कोई लाइसेंस नहीं मिला कि हम किसी का अपमान कर सकें या अपने आप को किसी से श्रेष्ठ समझ सकें ना। पूरी फिलॉसफी क्या है कृष्ण भावनामृत की, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, है ना। तो नाम में रुचि, भगवान के नाम जप में खूब रुचि होनी चाहिए, भागवत गीता भागवतम के अनुशीलन में खूब रुचि होनी चाहिए हमारी। उस समय हमेशा नहीं लगना चाहिए यार अभी तो पढ़ा, कल तो पढ़ा, इतना पढ़ लिया, अभी नहीं छोड़ो, कल पढ़ेंगे, ये करेंगे, ना ना। सिद्धांत बलिया चितन ना करिए आलस, यह होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। महाप्रभु की शिक्षा में हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु बताते हैं ना कि सिद्धांत को समझने में हमें कभी आलस या प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना चाहिए। तत्व को, सिद्धांत मतलब तत्व, जो शास्त्रों का निचोड़ है, जो शास्त्रों का कंक्लूजन है, जो प्रिंसिपल्स है ना, जो परफेक्टेड प्रिंसिपल्स है, उनका जो सार है, कंक्लूजन है, अंत है, उनको समझने में अभी हमें कभी आलस या कभी लेजीनेस ऐसा नहीं करना चाहिए। और भले बात कैसी भी हो, कितनी हैवी कठोर लगे, हैवी कठोर कुछ नहीं होता है, हमारी चेतना ही फंसी पड़ी है। जैसे बात किया ना, कोई अब चार माला में आ गया है तो उसके लिए दो माला हैवी है क्या, नहीं भाई कर लेता है, क्या हैवी उसके लिए। लेकिन शुरू में दो माला भी हैवी था, लेकिन अब चार में आ गया तो दो हैवी नहीं है, चार भी हैवी नहीं हो सकता आठ हैवी हो, आठ में आ जाएगा तो फिर चार भी हैवी नहीं लगेगी, दो आठ भी हैवी नहीं लगेगी, बारह सोलह लगे, है ना। तो हैवी तो कुछ नहीं होता, ये बस हमारी श्रद्धा की बात, हमारी चेतना की बात है,
भगवान द्वंद्व से परे ना, तो शास्त्र भी द्वंद्व से परे है। शास्त्र कुछ हैवी या लाइट नहीं बताते, ऐसा जो यथारूप है वो बताते हैं, और सब हमारे अल्टीमेट हित के लिए ही है, सब हमारे अल्टीमेट कल्याण के लिए ही है। तो इट इज ऑल कल्चर है ना, भाव की बात है, कैसे हम अपने मनोभाव को बनाएं, कैसे हम अपने कल्चर आइडेंटिटी को और पक्का करें और पक्का करें, ये मनस चिंतन की बात है। अगर मनस चिंतन हमारा दृढ़ होगा, स्ट्रांग होगा, खूब कॉन्टेम्पलेटिव होगा, तो सेवा भी बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगा तब जाके संसार से आकर्षण छूटेगा, वैराग छूटे उत्पन्न होगा, वरना कोई हंसी मजाक थोड़ी ना ये कृष्णा भावनामृत, कोई कैजुअल फन के लिए नहीं है। और देखिए ये संसार तो फुल ऑफ गाजा बाजा, फुल ऑफ प्रोपेगेंडा, सत्य बात है, बहुत प्रोपेगेंडा है संसार में। तो ऐसा नहीं हम साधु समाज भक्ति समाज में भी आके हम उस प्रोपेगेंडा में फंस जाएं, फिर किसी भी तरह के पॉलिटिक्स प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट ये इन चीजों में हमें नहीं फंसना, एकदम एकदम भी नेचुरली हम डिस्टेंस में रखें अपने आप को। कोई भी प्रकार की प्लानिंग प्लॉटिंग कुती नाटी ये सब हो, पता है उन डिवोटी का, पता है इस डिवोटी का, पता है। अब ऐसी नहीं ना, हम संसारी नहीं रहना चाहिए हमें ऐसा। संसार में लोग भले करें, पता है मेरी भाभी का, पता है मेरी ननंद का, पता है मेरे ससुर का, ये सब, लेकिन हमें ऐसे भक्ति में आके ये सब अब नहीं करना चाहिए। और अगर हम सही संग में रहेंगे ना, अच्छे संग में, तो ये सब भाव हमारे जाते रहेंगे। क्यों? जिनके संग करेंगे उनकी वीर्यवती वाणी से ना, पावरफुल प्योर प्योर स्पीच से हमारे हृदय में छेदन होगा। ये सारे जो असत विचार है, असत भावनाएं है, असत संग है, सारा तो जीवन में असत ही पाल रखा हमने, बाप रे। भजन का तो ना, जैसे ये बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत गजब का भजन बताया ना, तात्पर्य में वर्शिप भजन क्या अंतर है इत्यादि, ये रिलीजन या वर्शिप की बात नहीं है, और उससे ऊपर जाके। तो भजन बिना क्रंदन के भजन नहीं है, बिना उत्कंठा डेस्परेशन के भजन नहीं है, बिना ग्रीड लॉलियम के भजन नहीं है। तो ये उत्पन्न करना है हमें ना? भगवान के लिए रोना सीखना है हमें, और फिजिकल रोना, वास्तव में खूब रोना, रोज रोना, ये सीखना है हमें। ये एक बात जानिए, भगवान जिनको भी मिले ना, रो के ही पाए, जिन्होंने भी पाया भगवान को रो के। अब इसमें रोने का ऐसा नहीं है कि संसार में हम रोते ना, मम्मी खिलौना दो, मम्मी खिलौना दो ना, दिलाओ, दिलाते क्यों नहीं हो, खरीदवा दो, कितना रो रो के भाई मिल गया, या क्या रो रो के मैंने 10वीं एग्जाम दी है, कैसे तैसे निकाला है, 10वीं का एग्जाम पार किया, अब मैथ से छुटकारा मेरा, अब नहीं पढ़ना और मैथ्स, अब और नहीं पढ़नी साइंस। या कई माताएं बोलते हैं ना, कैसे रो रो के मैंने दिन काटे हैं, कैसे रो रो के जॉब निकाल रहा हूँ, तो ऐसे रो रो के मेरे को ये जॉब मिली है, ऐसे रो रो के मेरे को ये मिला है, ऐसे रो रो के खिलौना मिला है। ऐसा रोना नहीं है भगवान का रोना। भगवान कोई रोना मतलब हमें कोई सजा दे के वैसा रुला नहीं रहे, घिसा नहीं रहे। रोना तो ये भगवान की सुंदरता भगवत्ता इतनी हमारे चित्त में प्रकाशित होनी चाहिए, और फिर सेपरेशन अनुभव होना चाहिए ना, कि भगवान आप इतने सुंदर हो और मैं वंचित ही रह रहा हूँ आपके दर्शन आपके सेवा से। तो उस स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति रोएगा ही। हम संसार में क्यों रोते हैं, हमें खिलौना सुंदर लगता है ना, गाड़ी घोड़ा मकान सुंदर लगता है, स्त्री सुंदर लगती है, अब वो मिल नहीं रही है, खिलौना मिल नहीं रहा है, और हमारी तृष्णा आशा लालसा बनी पड़ी है पूरी, तो रोते हैं सेपरेशन में। तो भगवान जिनको भी मिले रो के ही मिले, सत्य है ये बात, बिना रो के भगवान किसी को नहीं मिले। तो कब रोएंगे, भजन भजन मतलब रोना ना, बाकी डिटेल्स है, बाकी डिटेल्स है, ये सार है, ये दिस इज द रियल थिंग, रेस्ट आर डिटेल्स। तो वो डिटेल्स कैन बी फिल्ड अप, वो आ जाएंगे डिटेल्स, लेकिन सबसे पहले हमें भाव अपना बनाना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर विजन, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर द रियल सब्सटेंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड।
अन्यथा क्या होगा, बस हम डिटेल्स में फंसे रह जाएंगे और बस साधना में दसों साल से। एक होता है माला जपना और एक होता है माला घिसना, है ना। हम दसों साल से, 20 साल से, 30 साल से माला ही या तो घिसते रहेंगे, ना कर्मी ना कोई संसारी बन पाएंगे, ना कच्चे बच्चे भक्ति रहते रहेंगे। भक्त तो भले ही हो लेकिन कच्चे पक्के। और एक होता माला जपना, तो हमें जप घिसने ही नहीं है, माला जपनी है। यही भगवान कह रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेशा मद गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो वाम स्वयं युक्त तमो मत। भगवान अपना मत बता रहे हैं ना, अपना ओपिनियन, ये भी भगवान की भगवत्ता है। देखिए जैसे दूसरे अध्याय में और भी आगे हमने देखा ना, चौथे अध्याय में भी भगवान कितने जगह साधुओं को उनका प्रशंसा करते हैं, ब्राह्मणों की, साधुओं की, वैष्णवों की, और कितना ऊंचा दर्जा देते हैं उनको। तो क्या बोलते हैं भगवान, ऐसा मैं नहीं, ऐसा साधु जनों से मैंने सुना है, ऐसा भक्तों वैष्णवों से, साधु जनों से मैंने सुना है, ब्राह्मणों से। तो कितनी भगवान ऊंचा उनको दर्जा बता रहे हैं। और यहाँ भी देखिए भगवान की विनम्रता, भगवान कह रहे हैं कि ये ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा समझना है। भगवान अर्जुन को ये नहीं बोल रहे, अरे मूर्ख नहीं समझता क्या, यही बात है, समझ लेना इसको, ऐसा नहीं बोल रहे भगवान कि भाई मैं बोल दिया ना और क्या बाकी रह गया, यही फाइनल है। फ्रस्ट्रेटेड नहीं है ना कृष्णा, कोई अभाव नहीं है उनको, तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है भगवान। हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्यों, हमें अभाव रहता है, इनसेक्योर फील करते हैं ना, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसी बात है। तो क्या भगवान देखे कितना सुंदर बोल रहे कि ऐसा मेरा मत है, मत मेरा ओपिनियन है, फोर्स नहीं कर रहे भगवान, या ये विनम्रता है भगवान की, कहीं पे शो ऑफ या वो बात नहीं है कि भगवान बोल रहे हैं भाई देख मैं बोल रहा हूँ। हम संसार में ऐसा भले ही बोलते हैं, तो हमारा भी देखो, हमारा भी कॉन्फिडेंस स्वयं पे नहीं होना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस कृष्ण में होना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है ना, अगर हमें मान तो होना ही चाहिए, भगवान हमारे हैं ये मान करो ना भाई, गर्व से बोलो हम भक्त हैं ना, ये गर्व तो होना ही चाहिए, वरना तो सब चौपट हो जाएगा कि भाई ये मेरा तेरा अच्छी बात नहीं है, ये मान होना अच्छी बात नहीं है, गर्व होना अच्छी बात नहीं है। अरे भाई संसारी मान होना अच्छी बात नहीं है, संसारी मेरा तेरा करना अच्छी बात नहीं है, संसारी ये घमंड अभिमान रखना अच्छी बात नहीं है, ये तो दिव्य अभिमान है बाबा, यही हमारी पोजीशन भी है कि कृष्ण का हूं मैं, ये दिव्य अभिमान है। इस अभिमान में आना है ना हमें, इस अभिमान में आना है हमें, अपने आप को लाना है। और फिर क्या, ये दिव्य हमारा गर्व है कि हम भगवान के भक्त, भगवान के अनन्य सेवक, अनन्य प्रेमी बनने की अभिलाषा है। इतने सुंदर अफलातून है भगवान हमारे, इतने मधुर है कृष्ण, तो ये तो दिव्य गर्व की, दिव्य अभिमान की बात है, दिव्य की बात है। और इसमें शो ऑफ ऐसा नहीं है कि संसार में किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की बात है ना। अरे एक माँ को अपने बच्चे पे होता ही है ना मान सम्मान, अब इसमें क्या खराब है, ये तो फिर भी एक संसारी उदाहरण है भाई। और भगवान तो सभी के शिरोमणि मुकुटमणि होने चाहिए ना, हम सभी के वास्तव में नतमस्तक होना चाहिए ना, हमारा सर तो भगवान के चरणों में ही शोभा देता है सभी का। हम ये इंडिविजुअली हम सबको अनुभव करना है, हमारा मेरा तेरा भी है ना भाई, मेरा तेरा नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, हम भगवान के हैं तब मेरा वजूद है ना, एक अस्तित्व है, कैसे नहीं है, भगवान है और भक्त हूँ, और ये जोड़ा है भगवान और भक्त का। तो ये भगवान समझा रहे हैं कि ऐसा बनो योगी, ऐसा भक्त बनो पूर्ण श्रद्धा से, एकाकी मेरी शरणागति लेते हुए, साधु संग में जुड़ते हुए भक्ति करो। तो हमारी दृष्टि में हमें ऐसा ही बनाना है, समझिए फिर से कि अगर मेरा भाई समझो भक्ति में है, भक्ति करता है, तो भाई को भक्त समझना है, भक्त देखना है, ये नहीं कि वो जो भक्त है वो मेरा भाई है ना।
भाई को भक्त समझना है, भक्त समझेंगे तो कृष्ण का है वो, तो वो हमारी चेतना में वृद्धि होगी। जिस दिन हम भक्त को, भगवान के भक्त को पहचान गए ना, और कैसे भगवान के भक्त रहते हैं, कैसे उनके साथ व्यवहार में रहे, तो फिर भगवान कहाँ दूर है, कहीं दूर नहीं है। लेकिन अगर ये समझ ले भगवान के भक्त को संसार के लोग के स्तर पे, संसार के हिसाब से, तो फिर भाई फिर हमारी बुद्धि कुछ भी विकसित नहीं हुई, कुछ भी विकसित नहीं हुई है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न जिज्ञासा? या आज कुछ मुझे है? अच्छे से समझ में आया, वो जो मैं कंफ्यूज हो रही थी कल कि भक्त को पहले लाऊं या भाई को, तो आज क्लियरली समझ में आया। वो कॉज और इफेक्ट होती है ना, खैर राइट यहाँ तो इतना कॉज इफेक्ट का भी बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट आर वी कंक्लूडिंग, अल्टीमेटली व्हाट आर वी सेइंग, दैट अल्टीमेटली वो कौन है भाई तुम्हारा? वो भाई है मेरा। चलो ऐसे समझो, ऐसा हो जाता ना कभी कंफ्यूजन, तो भाई छोड़ो बाकी सब बातें छोड़ो, वो मेरा भाई है। अब छोड़ दो तुम ब्रह्मचारी है, मंदिर में, सिलिकॉन वैली में, टेंपल में, ये सेवा करता है, फूड फॉर लाइफ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब सब छोड़ दो, कौन है भाई वो? अरे वो भाई है मेरा, इतना समझ लो। हाँ, या फिर कौन है वो? भाई वो भक्त है, बस इतना जान लो। तो अल्टीमेटली व्हाट आर वी डिफाइनिंग, व्हाट आर वी कंक्लूडिंग? और जैसे बोलते हैं ना, जैसा संग जैसा संग वैसा रंग। अब जैसा, अगर अब उनको हम भक्त देखेंगे तो ही हम भक्त बन पाएंगे ना भाई। उन्हीं को जो भक्त है, उन्हीं को हम भक्त नहीं देखें, उन्हीं को हम संसार के समझने लगे, देखने लगे, तो हम कैसे भक्त बनेंगे? इसीलिए ना, फिर भले ही हम साधना में जुड़े हों, भगवान का नाम जप भी करते रहो, या हमारी अच्छी श्रद्धा है ना, फिर क्या कैसे होगा? बस जगजीत सिंह का सुन लेते हैं, इनका अनुराधा पौडवाल का सुनते हैं, ये भी अच्छा बोलते हैं, वो भी अच्छा बोलते हैं, तो बस मिक्स मैच पूरी खिचड़ी बनते चलेगी ना। इधर उधर ये देखो, ये कितना अच्छा म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये है वो है। भक्ति में ना, जब तक ये समझ में नहीं आया कि भगवान मैं तो कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ फंसा हूँ इस भव सागर में, भव कूप में, और वो भी खुद को लेके नहीं कि मैं फंस गया हूँ, मैं वो वाली बात भी नहीं है कि भगवान आप इतने सुंदर हो, ऑल्दो आपको कोई कमी नहीं है ना, किसी बात की कमी नहीं है भगवान को। ऐसे नहीं कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ भगवान की, तो भगवान को कुछ बाकी रह रहा है। ये कोई बड़ी कंपनी में भले ही हो जाए, कि समझो अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी, और एक दिन एक स्टाफ अनकॉल्ड लीव में चला गया है ना, बिना बोले अचानक छुट्टी में चला गया, तो हो सकता है उस डिपार्टमेंट को थोड़ी दिक्कत हो इत्यादि, तो कंपनी को थोड़ी सी कुछ दिक्कत हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि हम भगवान की सेवा भी नहीं कर रहे ना, हम कुछ क्या सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो भगवान को कुछ कमी महसूस हो रही हो ना। लेकिन फिर भी येट बिकॉज भगवान का हमारे साथ संबंध है ना, तो यस ही स्टिल मिसिंग आउट इन गेटिंग अस ना, इन हैविंग अ लविंग रिलेशनशिप विद अस, एंड श्योरली भगवत धाम में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो जहाँ कोई कमी नहीं हो, वहां बताओ हर्षा कंपटीशन भी होगा क्या? कंपटीशन तो वहीं आता है ना सेंस, जहाँ कुछ कमी है, और जब कंपटीशन मेंटेलिटी आती है तब सब छितर बितर होने लगता है, तब भेदभाव, रेसिज्म, सब कुछ आने लगता है, मेरा तेरा सब आने लगता है। राइट बिल्कुल लेकिन भगवत धाम में कहाँ कमी है? और समझना डिटेल्स तो ईशोपनिषद पढ़ो, और ये पढ़ो ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बताते हैं, क्या ये लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। पहली लाइन मेरे को स्मरण में नहीं आ रही अभी। लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं, तो ये भगवत धाम में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है।
इसी चीज की कोई कमी नहीं है वैकुंठ जगत में। तो जहां कुछ कमी नहीं है वहां कोई कंपटीशन भी नहीं है, कोई भेदभाव भी नहीं है, कोई जेलिसी एनिमोसिटी कुछ भी नहीं है। और सभी देखो, एक कृष्णा भावनामृति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है, सभी के लिए प्रमोशन है। एक कंपनी में एक साथ सबको प्रमोशन मिल जाती है क्या? नहीं मिलती है भाई। सब अच्छा कर लेना तो भी सिलेक्ट फ्यू को ही देते हैं, नहीं दे सकते सबको प्रमोशन। लेकिन कृष्णा भावनामृत में जिसको सभी को एक साथ प्रमोशन मिल सकती है, सभी के लिए एक साथ जॉब अपॉर्चुनिटी है, किसी चीज की स्कैर्सिटी नहीं है कृष्णा भावनामृत में, शुद्ध कृष्णा भावनामृत में, दिव्य धाम में, दिव्य जगत में किसी चीज की कमी नहीं है, अभाव नहीं है। तो फिर कोई कॉम्पिटिशन, कोई एनिमोसिटी, कोई हेट्रेड, कोई बंटवारा, ऐसी कोई फीलिंग नहीं है, है ना? प्रॉपर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है इत्यादि। डाइवर्सिटी कैसे? क्योंकि भगवान तो नाना प्रकार के भाव से रसास्वादन करते हैं ना, तो वो डाइवर्सिटी कि कृष्ण के हम देखते हैं ना, ऐसे सगा, अच्छा कृष्ण को मैं ऐसा सुख दूं, ऐसे खिलाऊंगा, अच्छा तू ऐसे झुलाएगा, मैं वैसे झुलाऊंगा, तो हुई ना डाइवर्स। लेकिन यूनिटी है, यूनिटी क्या? दोनों का भाव एक ही है, इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों का भाव एक ही है, भगवान को सुखी करने का। वो तो वहां पे फिर कोई ऐसे बिखराव की बात नहीं है, और हम पूरा स्कैटर्ड कॉन्शियसनेस में हम जीते हैं, पूरे स्कैटर्ड कॉन्शियसनेस है हमारी। इसको रियलाइज करना ही ज्ञान है कि मैं कितना बिखराव में हूं, कितना क्या बोलते हैं उसको, वैश्यावृत्ति, कितनी वैश्यावृत्ति मेरे चित्त में भरी पड़ी है, कितनी स्कैटर्ड कॉन्शियसनेस, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये इधर मेरी आ सकती है, उधर इससे प्रेम है, इससे हित है, ये एजेंडा है, वो है, और थोड़ा कृष्णा, थोड़ा सा भी गया। तो ये इतना समझना है कि मैं स्कैटर्ड कॉन्शियसनेस में हूँ, ये ज्ञान है वास्तव में। अज्ञान क्या है कि भाई, अज्ञान क्या है कि मेरी कोई स्कैटर्ड कॉन्शियसनेस नहीं है, ये अज्ञान है, ये पूरा अज्ञान। अब सोचो कितनी विचित्र बात लगती है, संसार में किसी को ऐसा बोले कोई कि मेरी स्कैटर्ड कॉन्शियसनेस नहीं है, संसार में सब ऐसा, सब समाधान में है संसार में लोग, और ये भी कृपा है भगवान की, सब समाधान में। तुम्हारे घर परिवार में देखो सबको समाधान है, लेकिन अब तुम्हें नहीं है समाधान, है ना? क्योंकि यू आर रियलाइजिंग कि भाई संतुष्टि नहीं है मैटर में, फिश आउट ऑफ वाटर इज नॉट हैप्पी। तो भागवत गीता के अध्ययन से, अनुशीलन से हमें ये ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए कि मेरी कितनी स्कैटर्ड कॉन्शियसनेस है। और संसार जो इंफॉर्मेशन के स्तर पे या ज्ञान के स्तर पे, इंफॉर्मेशन अज्ञान के बराबर ही है, वहां क्या, नहीं भाई सब ठीक है, अरे क्या इतना, आई एम फाइन, आई एम गुड, सब बढ़िया है, नो आई एम एबल, आई एम इंटेलिजेंस, कोई स्कैटर्डनेस इत्यादि नहीं समझ। तो ये अब ज्ञान के स्तर पे कम से कम आ रहे हैं कि देखो कितनी स्कैटर्ड कॉन्शियसनेस है मेरी। अब दिव्य ज्ञान के स्तर पे आना है ना, अब दिव्य ज्ञान के स्तर पे आना है। दिव्य ज्ञान का स्तर क्या, भगवान को क्रंदन करते हुए पुकार, ये भजना, भजन कितना सुंदर शब्द है, ये भज धातु, इसको समझना है हमें, भजन में अब जुड़ना है ना, ये पुकार, ऐसा जपो कि भगवान मेरी तो इतनी स्कैटर्ड कॉन्शियसनेस है, अब कृपा करके आप मेरे को स्कैटर्ड को जोड़िए, कंसंट्रेटेड बनाइए, आप में कंसंट्रेटेड बनाओ। अज्ञान क्या है, लोग संसार में कंसंट्रेटेड है, ये अज्ञान के स्तर पे है, नहीं क्या? संसार में कितने कंसंट्रेटेड होके लोग नेटफ्लिक्स में, समाधान है लोगों को, कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल अगर, बिल्कुल एग्जैक्टली अगर थोड़ा किंतु परंतु भी होता ना, तो वो बिजली की तरह, अब बिजली कितनी देर टिकती है बताओ, कहाँ आई कहाँ गई। तो बैराग उत्पन्न भी होता ना, तो फाल्गु बैराग की तरह, शमशान बैराग्य की तरह, कि भाई शमशान में गए, देखा किसी का, वो बहुत रोना आ रहा है, दादाजी चले गए, वो फिर क्या, वो टच एंड गो है। हाँ टच एंड गो ना, शाम को आओ और चलो भाई वही गोलगप्पा खाने, वही टिक्की मसाला खाने, सब कुछ वही है, वैसा ही रहना, वैसा ही बोलना,
ओ तू मेरा भाई है, तू मेरा यार यार करके बात करते हैं। साधु समाज में यार शब्द अच्छा नहीं है, एकदम भी सुंदर नहीं है, नहीं बोलते साधु समाज में। भक्त कोई दूसरे भक्त को यार यार करके थोड़ी ना बुलाता है। ओ यार तू तू भक्त है, तू भाई तू बढ़िया भक्त है, ऐसे बात नहीं करते भक्तों में ना। पूरा इतना ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, पहनावा में ट्रांसफॉर्मेशन, उठने बैठने में, बोलने चलने में, खाने पीने में, सोने में, सब जगह ट्रांसफॉर्मेशन गजब का होता है। तो संसार में देखो अज्ञान मतलब लोग कंसंट्रेटेड कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं, माया के कंसंट्रेटेड कॉन्शियसनेस में। लोग संतुष्ट है, नेटफ्लिक्स आ गया ना, कितना बढ़िया से लॉकडाउन निकला है लोगों का। सोचो नेटफ्लिक्स, इंटरनेट, पोर्नोग्राफी से बढ़िया से लोगों का लॉकडाउन निकला एकदम से, कोई उनको प्रश्न नहीं है। अब इन बिटवीन कोई आ गया ना, तो वो टच एंड गो की तरह है। वो थोड़ा सा अगर नेटफ्लिक्स देखते देखते यार बोर, अब क्या जीवन है, इतना स्ट्रेस है, इतना जॉब की प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, ये मनी सोसाइटी एंड ऑल, क्या है, कोई नहीं। दोस्त भी ऐसे ना, संग भी ऐसे ही है ना। ऐसा कमसा को भी हुआ था क्या, जब देवकी वसुदेव को छोड़ दिया ना कारागार से, कि भाई तुम्हारी गलती नहीं है, मेरे को क्षमा कर दो, और फिर फिलोसफी फिलोसफी समझाते हुए कि कर्म इतना प्रधान होता है, या प्रोविडेंस है ना, प्रोविडेंस क्या, इच्छा, ऊपर वाले की इच्छा इत्यादि, ऐसे करके हम। और फिर एक बार हृदय का परिवर्तन हुआ कि मैंने अपने जीजा के साथ, अपने बहन के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर उनसे छूट के बाहर निकला और अपने मीटिंग हॉल में गया, अपने मिनिस्टर से मीटिंग में, तो सारे मिनिस्टर्स खली है ना, एक नंबर के खल है सारे के सारे मिनिस्टर्स, उस संघ में गया तो बस पूरी माहौल बदल गई। कितना हम देखते हैं ना, देखो कुछ होगा कि जब भक्तों के संग में है तो ठीक है हाँ, और फिर वापस वही बैक टू वही दोस्तों के पास गए, वही असद भावना असद चेतना में गए, तो वहीं के वहीं रह के बिखर गए। तो संसार में लोग एकदम संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, दे डू नॉट वॉन्ट टू बी वेकन अप। उनके अज्ञान को भी कोई ना छेड़ो, दे आर वेरी कन्विंस्ड इन देयर अज्ञान, डीप डीपली कन्विंस्ड, हैवीली स्ट्रॉन्गली कन्विंस्ड, सो मच सो दैट दे कैन शेक अप आवर फेथ, टाइनी बिट ऑफ फेथ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये अज्ञान का स्तर है, कंसंट्रेटेड उनकी माया में है। नेटफ्लिक्स से छूटेंगे तो क्या है, कुछ नया आ जाएगा भाई, इंटरनेट फ्लिक्स आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, उसमें बन जाएंगे, 4 साल बाद कुछ और आ जाएगा ना। ले दे के कॉन्सेंट्रेटेड तो माया में ही है ना, असत में ही। माया मतलब असत मतलब टेम्पररी है ना। और अब भागवत गीता के अनुशीलन से हमारा इतना ज्ञान बन रहा है क्या, कि भाई मैं कितनी स्कैटर्ड कॉन्शियसनेस में हूँ, कितनी स्कैटर्ड कॉन्शियसनेस में हूँ मैं। तो ये ज्ञान का स्तर है। अब है कि भगवान अब मेरे को पूरा करो, जैसे अर्जुन भी छितर बितर हो गए थे ना, कितने बिखर गए थे भाई, कितने इमोशंस में बिखर गए थे। शरीर से तो चलो एक ही शरीर है, लेकिन हम मन से इमोशन से कितने बिखरे हुए हैं। तो अब ये प्रार्थना भगवान दिव्य ज्ञान में हमें आप अनुष्ठित करिए, आपके दिव्य योग में जुड़ाइए हमें, दिव्य संबंध में। इनफ इज इनफ, अब मैं समझ पा रही हूँ कि मैं आपकी हूँ, आपसे मेरा संबंध है, भक्तों से मेरा संबंध है। इसका कहने का आगे नहीं है मतलब नहीं है, माँ बाप से संबंध नहीं है, या पति पत्नी इनसे संबंध नहीं है, सभी के साथ है, लेकिन कृष्ण के संबंध से देखते हुए वैसा संसार में ड्यूटीफुल बन के ही रहना, बस ये इतना ही विवेक है, और यही सही विवेक है। सर पे नहीं चढ़ाना है संसार में किसी को, संसार को भी नहीं चढ़ाना सर पे, सर तो हमारा भगवान के लिए है ना, तो भगवान के लिए झुके, भगवान ही सर पे हमारे राज करें। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो, या एनी थॉट्स कमेंट्स और क्वेश्चन और क्लैरिफिकेशंस। ठीक है, तो आपके धैर्य पूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी मीट अप टुमारो। हरे कृष्णा।